तैयार है जज्बात से भरपूर पाक भारत का मैच। दो ही तो मैच है, एक पाकिस्तान इंडिया का, दूसरा आमिर खान का लगान मूवी वाला। वो दिन जो आपकी सांसें रोकते इंसान को वही याद रहते हैं, और इस महीने की 24 का 24th ऑफ दिस मंथ यही होने वाला है। खुदा की कसम ऐसे लगता है कल 2019 का मैच खत्म हुआ यार, वक्त का पता ही नहीं चल रहा। ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है यार। इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लोगों को रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की चीजें होती हैं ना, उनमें से क्रिकेट एक है, और इन्होंने आज इनकी वो क्रिकेट की खुशी ली। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं, इन्हें क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे कहो दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, तो इन्हें बर्गर खवाओ, इन्हें लैके जाओ लाहौर, उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइया खवाओ, इन्हें टेढ़े टे वे खवाओ, ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। भाई जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है? एना एना नु सर, एना नु सर हीको हीको आइसक्रीम दे दफ्तर जॉब लगवा के दियो। इना नु बोल जालियां ना, सैकला ले दो। शीरशाह भी सुना पीते रहे, शीरशाह गुलाब जामुन। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फराज के बारे में क्या कहेंगे, फैसले जो गलत? फराज साहब नु कौन नींद दी गोलियां खान, वो पीछे बह गया। नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं, देखो रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के अपने प्लेयर्स को हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने उनको कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करनी, हमने उनको जो फैसले थे उन पे क्या? सरफराज ने धोखा दे दिया, सरफराज ने बेसिकली धोखा दे दिया, उससे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज साहब को लीडरशिप देखो, को पता है की करना है की नहीं करना, बैटिंग करनी बॉलिंग करनी है, मौसम है की है मेरे पास।